Hello student, I am again here. Today we will discuss about the part 2 of this lesson, Lost Spring, written by Anijal. Anijal is a famous Indian writer who belongs to Hyderabad, जो हैदराबाद से belong करती है, और इसकी जो ये book है Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, उनकी इस book से ही जो है हमारा जो ये lesson है 12th class का वो लिया गया है. दोनों part उसी उनकी जो स्टोरी बुक है उसी से लिए गए हैं. और अपनी इस बुक में जो एनिजंग है ऑथर, वो डिस्क्राइब करती है पिटिएबल कंडीशंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रंस, जो गरीब बच्चे हैं उनकी बहुत बेकार स्थिति है. मतलब उनके पास खाने के लिए अच्छा नहीं है, पहनने के लिए अच्छा नहीं है, स्लम्स एरिया में रहते हैं, कोई वाटर के लिए सप्लाई के लिए कोई अच्छा प्रबंध नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, और वो जैसे वर्कर एज ए लेबरर काम करते हैं कि कोई रैग पिकर का काम करता है इनके कूड़ा बीनने का. जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया था, जो साहिर नाम का लड़का था वो एक रैग पिकर था, कूड़ा बीनने वाला. और अब इसमें जो है एक मुकेश नाम के लड़के के बारे में, जो बिलोंग करता है बेंगल से, यानी कि चूड़िया बनाने वाली फैमिली से, जो इंडस्ट्रीज में चूड़िया बनाती है उस फैमिली से बिलोंग करता है एक मुकेश नाम का लड़का, जिसकी लाइफ के बारे में जो एनिजम ऑथर है वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे उसकी लाइफ जो है वो एक स्लम एरिया में वो रहता है, अच्छे घर नहीं है, और उनकी जो बैंगल्स मेकर जो फैमिली है वो जो इंडस्ट्रीज, जिस इंडस्ट्रीज में वो काम करते हैं, ना वहाँ पर कोई ना एयर है ना लाइट है, बिल्कुल डिंगी एरिया, मतलब बिल्कुल अंधेरा, जहाँ पर वहाँ ऐसी जगह पर वो काम करते हैं जिसकी वजह से जो है उनकी आंखों पर भी फर्क पड़ता है. मोस्टली जो बैंगल मेकर्स फैमिली हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली ब्लाइंड भी हो गए हैं. मुकेश का जो फादर है वो भी जो है इसी वर्क के, बैंगल मेकर के काम करने की वजह से जो है वो ब्लाइंड हो गया है, अंधा हो गया था, और मुकेश भी वहाँ पर उसी तरह से एक बैंगल मेकर की तरह काम करता है. बट जो मुकेश है वो अपने इस बैंगल मेकर लाइफ से जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है. वो चाहता है कि वो समथिंग न्यू कुछ करे, नया कुछ करे. वो उसके कुछ ड्रीम्स हैं कि वो इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से जो वो अपने आप को बाहर निकाले, कुछ नया करे, ना कि एक एज ए बैंगल मेकर बनकर वो जो है वो रह जाए. और वो क्या करता है कि उसका जो ड्रीम है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. हालांकि उसने कभी वो स्कूल नहीं गया, जैसे साहिब भी नहीं गया था, क्योंकि वो भी बहुत गरीब थे और गरीबी के कारण उनके पास कोई फैसिलिटीज, कोई सुविधाएं नहीं थी. तो वो फिर भी वो उसके कुछ सपने थे, वो सपने देखता है कि एज ए मोटर मैकेनिक जो वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ताकि वो अपनी उस लाइफ से को जो है कुछ इम्प्रूव कर सके, कुछ अच्छा कर सके, निकल सके उस लाइफ से जो बाहर जो उसके फादर ने स्पेंड की है, उनके जो अदर फैमिलीज जो है वो भुगत रही हैं उस इंडस्ट्रीज में वर्क करने की वजह से, जो कंडीशंस जो उनकी हैं, तो उनसे वो कुछ उभरना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है. और वो करता भी है उसके करने के लिए काम, वो जो अपने उस कंडीशंस को उभरने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए वो कदम भी उठाता है. अब आगे जो है लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिटेल समरी ऑफ दिस लेसन. इसमें जो एनिजंग ऑथर है वो एक फिरोजाबाद जगह का नाम है, जहाँ पर जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि कांच का काम करने वाली, जहाँ पर कांच का काम होता है, कांच की चीज़ें बनती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो फेमस है. कौन सा? फिरोजाबाद. किस चीज़ के लिए फेमस है वो? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज के लिए, कांच का काम होता है जहाँ पर, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए, ऐसे उद्योगों के लिए वो फेमस है. और वेल्ड ग्लास एंड मेक बैंगल्स, मेनली जो बैंगल्स जहाँ पर बनाई जाती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? फिरोजाबाद में. तो जो फिरोजाबाद है वो मेनली वेल्ड ग्लास एंड मेक बैंगल्स के लिए जो है वो मोस्टली फेमस है. और जो मुकेश है लड़का, वो एक पुअर लड़का है, गरीब बच्चा है, और वो कहाँ, किससे बिलोंग करता है? एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, जो उन इंडस्ट्रीज में चूड़ियाँ बनाने का काम करती हैं जहाँ पर. बट ही डिड नॉट लाइक हिज लाइफ, परंतु वो अपनी इस लाइफ को पसंद नहीं करता, उसको नहीं अच्छी लगती अपनी वो लाइफ, वो कुछ नया करना चाहता, समथिंग न्यू. तो वो ड्रीम, एक मोटर मैकेनिक, उसका सपना क्या है कि वो बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और टू बी हिज ओन मास्टर. और वो मतलब ही वॉन्टेड टू बी हिज ओन मास्टर, कि मतलब वो खुद अपना मालिक,
कि वो अपने हिसाब से कुछ ऐसा काम कर सके, वो अपना मालिक खुद जो है वो रहे, वो किसी के अंडर काम ना करे, वो ऐसा जो है वो काम करना चाहता है। जहाँ पर वो काम करता है बैंगल्स बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, वहाँ बहुत जो है जो दिन की सेल्स है, यानी कि बहुत अंधेरा है, कोई हवा नहीं है, नो एयर नो लाइट, और मैनी लॉस्ट ऑफ देयर आईज, और क्योंकि हाई टेम्परेचर में वहाँ पर काम करते हैं, उनका जो वहाँ का जो जहाँ पर वो काम करते हैं बैंगल्स बनाने का, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई होता है और अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं, कोई हवा नहीं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉस्ट देयर आईज, अपनी आँखें उन्होंने खो दी हैं, यानी कि वो ब्लाइंड हो गए हैं। मुकेश फादर आल्सो जो है वो बिकम ब्लाइंड ड्यू टू दिस वर्क, बैंगल बनाने के काम के कारण जो है वो मुकेश का जो फादर है वो भी जो है वो ब्लाइंड हो गए हैं, उसने भी अपनी आंखें जो है वो खो दी हैं। इसलिए मुकेश जो है अपने इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था, वो कुछ नया करना चाहता था। और जो वो बैंगल्स बनाने का जो काम करते थे उससे रिटर्न्स भी उनको इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, यानी कि उनकी कमाई भी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी कि वो अपना जो गुजारा है वो अच्छी तरह से कर सके, यानी कि उनका रिटर्न्स भी बहुत कम था, बहुत कम कमाई होती थी वहां पर, लेकिन काम ज्यादा करते थे और उनका जो बॉडी पर भी जो है वो इफेक्ट इस वर्क का बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तो इसलिए वो मुकेश जो है वो अपने इस काम को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका जो फादर है वो बहुत मतलब ब्लाइंड हो गया था और इतना गरीब था कि ही कांट रेनोवेट हिज हाउस, वो अपने घर को भी रेनोवेट नहीं करवा सकता था, इतना गरीब था वो। अब वो वहां पर जो है जो ऑथर है वो एक दिन क्या करती है कि इस तरह के जो बच्चों के जो है उस स्लम एरिया में वो जाती है और बहुत सारे घरों में जो है वो जाकर उनको देखती है, उनकी कंडीशंस को देखती है और उनके बारे में जानना चाहती है। तो वहां पर जब वो ऑथर जाती है तो एक सविता नाम की लड़की भी जो है वो अपनी मदर के साथ बैठी हुई थी और वो बिजी थी, किस चीज में बिजी थी, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, जो यानी कि जो कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको जोड़ने के उसमें जो है काम करने में अपनी मदर के साथ बिजी थी। उसने पिंक ड्रेस कलर की जो है वो ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बारे में भी ऑथर जो है वो बताती है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे, वो छोटी सी लड़की भी जो अपनी मदर के साथ इस काम में लगी हुई थी। तो इसलिए जो है इस हालांकि हमारे देश में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों से काम नहीं किया जाए करवाया जाएगा, कि वी शुड नॉट फोर्स देम टू डू वर्क, उनको हमें फोर्स नहीं करना चाहिए काम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि जो चिल्ड्रंस है वो फ्यूचर्स ऑफ आवर नेशन, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। तो इसलिए जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया हुआ है, और बट लॉ बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने बट मोस्टली पीपल्स जो है वो उस लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करते, उस लॉ का उस कानून का पालन नहीं करते ज़्यादातर लोग इस अपने इस कंट्री में, और वो छोटे छोटे बच्चों से भी जो है वो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में काम करवाते हैं, हालांकि घरों में भी काम करवाते हैं एज ए मेन। तो हमें जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन छोटे छोटे बच्चों का भी अपना एक बचपन है, वो भी खुश होना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई जॉय कोई हैप्पीनेस नाम की चीज़ ही नहीं है ड्यू टू पॉवर्टी, उनकी कंडीशन इतनी पिटिएबल है, इतनी दयनीय कंडीशन है कि उनके पास जैसे उनका बचपन जो है वो कहीं खो गया है। जैसे हम बच्चे जो है वो बचपन में हंसते खेलते कूदते, उनके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, बट उनका जो चाइल्डहुड उनका जो बचपन है वो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल गरीब है वो, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। लेकिन जो मुकेश है वो डिसाइडेड टू ब्रेक अवे हिज कंडीशन, अपनी इस कंडीशन से जो है वो छुटकारा पाना चाहता है, अपने इस कंडीशन को वो ठीक करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, वो कुछ नया करना चाहता है ताकि जो उसकी जो कंडीशन है वो सुधर सके, वो भी पढ़ सके, वो कुछ नया काम कर सके, क्योंकि उसका जो सपना था वो क्या था, एक मोटर मैकेनिक बनने का उसका जो सपना था और वो कुछ नया करना चाहता था। तो इस तरह से जो हमारे ऑथर है हमारे इस लेसन में लोस्पेन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड दोनों भागों में दोनों पार्ट्स में जो है एक दो बच्चों का वर्णन करती है, दोनों ही बच्चे जो है वो पुअर हैं, गरीब हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको जो है एज ए लेबरर वर्क काम करते हैं, वो कैसे कि जो साहेब है वो एज ए रैग पिकर काम करता है कूड़ा बिनने का और जो मुकेश है वो एज ए
बैंगल्स मेकर काम करता है, चूड़ियां बनाने काम करता है, बट दोनों जो है वो अपने वर्क से खुश नहीं है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो कुछ नया करना चाहते हैं और वो कुछ भी अपना मालिक वो खुद बनना चाहते हैं, ताकि उनकी जो कंडीशंस हैं, उनके जो परिवार के जो कंडीशंस हैं वो सुधर जाएं और उनके बचपन में भी जो है हैप्पीनेस जो है खुशी जो है वो आए। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पार्ट, रैप्ड, रैप्ड मतलब जैसे रैप किया हुआ, लपेटा हुआ, ढका हुआ। स्विंग, स्विंग मैंने झूलना, इंसिस्ट करना, किसी को आग्रह करना मतलब जोर देकर कहना। फेंस, चार दीवारी। डिस्कार्ड इट, छोड़ना। इलीगल, गैर कानूनी। डिंगी मतलब जहाँ पर डर्टी एरिया जिसको बोलते हैं, और जहाँ पर अंधेरा हो, डार्क एंड डर्टी एरिया। स्लोग, हार्ड वर्क। बीम, चमकीला, जैसे हम कहते हैं कि जैसे कम लाइट है तो लो बीम है, हाई लाइट तो हाई बीम, तो बीम चमकीला। क्रम्बलिंग, गिरना। डिस्पाइट, बावजूद। रेनोवेट, मरम्मत करना, कि जैसे कहते हैं कि घर की रेनोवेशन चल रही है या घर को रेनोवेट करना है, तो रेनोवेट मतलब मरम्मत करना। स्पाइरल्स, चक्कर, जैसे हम कहते हैं ना कि स्पाइरल बाइंडिंग, तो वो जैसे गोल 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 होती है ना स्पाइरल बाइंडिंग, तो इसलिए स्पाइरल्स का मतलब चक्कर। माउंट्स, ढेर। एंटायर, सारा। अचीव्ड, गोट मतलब प्राप्त करना। शंटी, झोंपड़ी। ट्रैप्ड, छलना, छल करना, धोखा देना, चीट करना, चीटेड। स्टिग्मा, धब्बा। इम्पोज्ड, दबाव डालना, इम्पोज करना, जैसे मेरे फर्स्ट लेसन में जर्मन ने जो है इम्पोज किया था फ्रांस को, जो टू स्टेट्स थे एलसेस एंड लॉरेंस, उन पर क्या इम्पोज की गई थी, जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो वाला इम्पोज मतलब किसी को, किसी के ऊपर दबाव डालना किसी चीज के लिए। तो ये सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे हमारे इस चैप्टर के पार्ट टू के, लो स्प्रिंग द स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के, जो रिटन बाय एनिस जंग। तो फर्स्ट तो हमें हमेशा याद रखना है क्या, नेम ऑफ द चैप्टर एंड नेम ऑफ द राइटर, क्योंकि ये पैसेजेस के क्वेश्चंस में मोस्टली पूछा जाता है, और वर्ड्स जो है हमें वो हमने अपने ये जरूर याद करने हैं। एक तो इससे आपके लोगों की जो है वोकैबुलरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और ये लेसन में पैसेजेस में हर तरह से जो है वो आपको काम आएंगे, रीड करने के लिए समरी, क्वेश्चंस याद करने में भी जो है ये बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस जब हम रीड करेंगे तो हमें अगर वर्ड्स मीनिंग्स पता है तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो नाउ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे इसमें एग्जाम में पूछ लेता है कि हु इज मुकेश, विच फैमिली ही बिलोंग, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, फिरोजाबाद जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, मुकेश की जो फैमिली है वो उसकी कंडीशंस कैसी हैं, क्या काम करती हैं, और जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज बैंगल मेकर्स वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, कि जैसे हाई टेम्परेचर है, नो एयर, नो लाइट, मतलब मोस्टली जो इफेक्ट जो है वो लोगों के जीवन पे क्या है कि मोस्टली जो वहाँ के बैंगल मेकर्स हैं वो ब्लाइंड हो गए हैं ड्यू टू दिस कंडीशंस। टिंगी एरिया में काम करना पड़ता है उन्हें, अंधेरे में काम करना पड़ता है, कम लाइट में काम करना पड़ता है, और ड्रीम ऑफ मुकेश, मुकेश का क्या ड्रीम था ये भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह के जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमें याद कर लेने हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं।